ईमानदार श्यामू। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में श्यामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े बनाता और शहर जाकर बेचता था। कुछ दिन से उसका एक भी घड़ा नहीं बिका तो वह बहुत दुखी था। कितने दिन हो गए मेरा एक भी मटका नहीं बिका, अब तो घर के राशन भी खत्म हो गया है, अब अपनी पत्नी और बेटे को क्या खिलाऊंगा। हिम्मत होइए जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दो मुट्ठी आटा बचा था, उसकी रोटी बना दी हूँ, चलो थोड़ा खा लो। कुछ देर बाद श्यामू जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बैग दिखाई दी। हाँ, ये किसका बैग है? शायद गिर गया है। अरे भाई किसका बैग है? अरे भाई किसका बैग है? कोई नहीं, चलो इसे घर ले जाता हूँ, अगर कोई मांगने आएगा तो उसे वापस कर दूंगा। श्यामू बैग उठाकर घर की ओर चल देता है। अरे ये किसका बैग है? पता नहीं, वो रास्ते में पड़ा मिला था। चलो जिसका भी हो, ढूंढने आए तो उसे वापस कर देंगे। कुछ देर बाद श्यामू के घर में कोई सेठ आता है और कहता, सुनो तुमने रास्ते में कोई बैग देखा क्या? उसमें मेरे कुछ जरूरी कागजात और पैसे हैं। हाँ सेठ, वो बैग मुझे मिला है और मैं उसे संभाल के रखे हैं। ये लीजिए। धन्यवाद आपका, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। मैं जानता हूँ, पर इसे मेरा प्यार समझ के रख लो। ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं रख लेता हूँ। श्यामू पैसे ले लेता है और परिवार में फिर से खुशियाँ आ जाती है।